साथियों नमस्कार। दोस्तों मैंने जैसे बात की थी कि हम एक सीरीज शुरू करेंगे बायो पेस्टिसाइड पर और बायो फर्टिलाइज़र पर, तो पहले हम बायो पेस्टिसाइड से शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज किसान रासायनिक खेती से परेशान हैं, वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें एक रास्ता मिले और हम एक ऐसी खेती कर पाएँ जो इको फ्रेंडली हो और इस जहर से मुक्ति मिले, क्योंकि आजकल किसान सबसे ज़्यादा खेतों में जहर छिड़क रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड के रूप में हो, चाहे वो वीडिसाइड के रूप में हो, चाहे वो दूसरे कोई भी हानिकारक जहर के रूप में हो। तो दोस्तों एक तो तरीका है कि हम जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हीं का हम उपयोग करें जो कि हमारे आसपास ही होते हैं। हर्बल पेस्टिसाइड्स बनते हैं जिनको पशु नहीं खाते, ऐसे पौधे जो हमारे सड़क के किनारे खेत में लगे होते हैं, उनको यदि अनेक प्रकार के फॉर्मुलेशंस हैं उन पर वीडियो बनाएंगे, तो यदि उनका हम अपने ही घर पे एक पिट में, ड्रम में, मटके में तैयार करें तो एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बन सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड बन सकते हैं। लेकिन किसी के पास लेबर की दिक्कत है, किसी के पास समय नहीं है, इस कारण से वो अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आज साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, जिन हम बायो पेस्टिसाइड्स की हम बात करेंगे ये सब हमारी ज़मीनों में पर्याप्त मात्रा में था, क्योंकि ज़मीन का उस अब से पहले जीवांश कार्बन बहुत अच्छी मात्रा में ज़मीन में था। अगर हम सॉयल के स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स की बात करें, तो 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी होना चाहिए, 45% मिनरल्स होने चाहिए और 5% जीवांश कार्बन होना चाहिए। यही जीवांश कार्बन है जो हमारी मृदा को स्वस्थ रखने में मददगार है। जितने भी जीव मृदा में रहते हैं, चाहे वो बायोपेस्टिसाइड्स हों, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बैक्टीरिया, मेटा, ये सारे, या बायोफर्टिलाइजर्स हों, एजिटोबैक्टर, PSB, पोटास वाला बैक्टीरिया, और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रति उत्तरदायी हैं बैक्टीरियाज, जीवाणु, वो सब जीवांश कार्बन पर ही जीवित रहते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर ही जीवित रहते हैं। तो दोस्तों ये सब पहले था जो हमने रसायन डाल के ख़त्म कर दिया। तो आज यदि कोई किसान प्राकृतिक खेती या बिना जहर वाली खेती करने चाहते हैं, तो या तो उनके पास तरीका है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके बायो पेस्टिसाइड बनाएं, बॉटनिकल पेस्टिसाइड बनाएं, या फिर जो हमने ख़त्म कर दिया ज़मीन से, आज जो है बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारे NGOs हैं, वो सब अपने यहाँ बना रहे हैं इनको अपने लैब में, और बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। मतलब ज़मीन से ही लिया जो मजबूत इस तरह की स्पेसीज हैं जो इस इन बीमारियों को या इन कीटों को रोकने के लिए सक्षम हैं, वहाँ से लेने के बाद और फिर उनको लैब में उनको भोजन पानी दे करके तैयार किया जाता है, और फिर डब्बे में पैक करके उनके जो एक स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं कि CFU कितना होना चाहिए, pH कितना होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए, उसके आधार पर उनको पैक किया जाता है। तो वो जो नेचुरल सिस्टम था, प्राकृतिक बैलेंस हमारी धरती ने, प्रकृति ने बनाया हुआ था, वो सब हमने डिसबैलेंस कर दिया। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट पिछले 10-15 सालों से आपके बीच में बहुत शोर मचा हुआ है, बहुत लोग जो है गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है। आज भी जब कृषि रक्षा इकाई पर किसान जाते हैं तो वहाँ जो अधिकारी हैं वो सब उनको फोर्स करते हैं कि आप ये ले जाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसान अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली ये प्रकृति का ही जीव है। तो ट्राइकोडर्मा कार्बनिक पदार्थों पर जिंदा रहने वाला मित्र फफूंद है जो कि जड़ क्षेत्र में पाया जाता है और ये नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये अब ख़त्म होता जा रहा है, चूँकि हमने बहुत ज़्यादा ज़मीन की सेहत का ख्याल नहीं रखा, हम फसल को, मृदा को वो सब चीज़ें देते हैं जो ज़मीन के जीवांश कार्बन को नहीं बढ़ाती, बल्कि मिट्टी को हमने वेंटिलेटर पर ला के रख दिया है। तो ट्राइकोडर्मा जड़ क्षेत्र में पाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा एक मित्र फफूंद है जिसका जो अनेक प्रकार की बीमारियों पर काम करता है। ये मोस्टली जो फफूंद हैं, चाहे वो बीज से पैदा होने वाले हों, चाहे वो मिट्टी से पैदा होने वाले हों, फफूंद उन पर उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा, इसकी जो प्रकृति है वो माइकोपैरासिटिज्म की है।
माइकोमा ने फफूंद और पैरासिटिज्म माने अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरों से भोजन लेना, दूसरे जीव से भोजन लेना। तो यह पैथोजन पर सीधा अटैक करता है और उसी पर अपने आप को जिंदा रखता है। तो ये जो नेचर है इसकी, ये सबसे बेस्ट है। और जिसके भी जिस भी फफूंद के संपर्क में आता है ये उसको किल करता है और धीरे 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 उसको समाप्त कर देता है। तो ट्राइकोडर्मा दो प्रकार का, दो स्पेसीज मार्केट में हैं अभी जो आपको कमर्शियली मिल जाएंगी, ट्राइकोडर्मा विर्डी और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। दोनों ही एक जैसी हैं, थोड़ा सा अंतर है कि ट्राइकोडर्मा विर्डी को यदि ज़मीन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बीज के ऊपर ज़्यादा लगाया जाता है, और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम को जो उसका रेस्पॉन्स मिला है प्रयोगों के आधार पर, वो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का यदि स्प्रे होता है जो हवा द्वारा फफूंद फैलती है वहाँ पर ये कंट्रोल करने में ज़्यादा सक्षम है। दोस्तों बात करते हैं इसके काम करने के तरीके के बारे में, यानी कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि ये बीज और मिट्टी के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं उन सभी को कवर करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जैसे पीथियम है, फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है, स्क्लेरोटोनिया है, स्क्लेरोसिया है। ये जितने भी बीज और मिट्टी के द्वारा फैलने वाले रोग हैं उनको कंट्रोल करने में मददगार है। दोस्तों ये दो प्रकार से पैथोजन पर अटैक करता है। पहला तो ये विशेष प्रकार के कुछ एंटीबायोटिक्स का स्राव करता है जो सीधा रोग कारकों का के लिए विष का काम करते हैं, और दूसरा ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम जैसे काइटिनेज है, बीटा वन है, बीटा थ्री है, ग्लूकोनेज है, इनके द्वारा ये रोग कारकों पर सीधा आक्रमण करता है। यानी कि जैसे ही हमने ट्राइकोडर्मा को अप्लाई किया, चाहे वो बीज के ऊपर, चाहे वो मृदा में या स्प्रे के रूप में, तो ये जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजन है, उसके संपर्क में आएगा और अपनी जो माइसीलियम है वो पेनिट्रेट करेगा होस्ट के किसी भी पैथोजन के किसी भी पार्ट्स में, और फिर धीरे 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 उसके शरीर में एंटर कर जाएगा या उसका जो बॉडी का आंतरिक क्रियाविधि है उसको डिस्टर्ब कर देगा और धीरे धीरे अपनी मात्रा को बढ़ाता चला जाता है। यानी कि वो माइकोपैरासिटिज्म वाली जो नेचर है वो पूरी तरीके से यहाँ काम करती है। यह पैथोजन को एक साथ नहीं मारता है लेकिन धीरे 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 ख़त्म कर देता है। दोस्तों यदि हम इसके लाभ की बात करें तो यह जितने भी बीज और मिट्टी के द्वारा फैलने वाले रोग हैं उनको रोकता है, और दूसरा प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह काफ़ी हद तक जो है निमाटोड को भी कंट्रोल करता है। निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो दूसरे बायोपेस्टिसाइड हैं जैसे पेसिलोमैसिस लिनासिनस और पॉक्चुनिया क्लेमाइडोस्पोरिया, लेकिन ये काफ़ी हद तक निमाटोड को भी कंट्रोल करता है जब हम इसका अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर जितने भी बिना गले सड़े चीज़ें पड़ी हुई हैं, चाहे वो आपने कच्चा गोबर की खाद डाली हो, चाहे फसल का अवशेष उसमें रह गया हो, उसको गलाने सड़ाने में भी बहुत मदद करता है। एक बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं, जैसे हम रूढ़ कच्चा खाद जो है तैयार करते हैं, 3 साल में वो तैयार होता है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि मृदा में, फसल में आपने कच्चा खाद डाल दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यदि आपने ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल किया है तो ये काफ़ी हद तक जो है उसे गलाने सड़ने में मदद करता है। इसके प्रयोग से यह भी देखा गया है कि यह खरपतवार के बीजों को भी चेक करता है। मैंने खुद जब मैं कंपनी में काम करता था तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने धान की नर्सरी में इसका इस्तेमाल किया, तो 3 साल इस्तेमाल करने के बाद जो धान की नर्सरी में घास आती है, वीड्स आती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो गए। यह पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है, यानी कि बीमारी और कीट से लड़ने की क्षमता पौधे को अंदरूनी ताकत देता है, उसे मजबूत बनाता है। मतलब जो भोजन लेने वाली जड़ हैं, बारीक जड़ हैं, वो सफ़ेद तंतु वाली हो जाएंगी, यानी कि ये जड़ की सुरक्षा करता है। कुछ मात्रा में ये जो ज़मीन में बिना ऐसे तत्व हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे को प्राप्त नहीं हैं, उनको प्राप्त करने में भी मदद करता है, यानी कि उनको उपलब्ध कराने में मदद करता है। एक और ख़ास विशेषता इसकी ये है कि ये एक बायो रेमेडिएशन का काम भी करता है, यानी कि जो जहर हमने अब से पहले डाले हैं अपनी ज़मीन में उनका जो हानिकारक इफेक्ट है उसको भी कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सारे इसके लाभ हैं, और आज भी किसान इसकी महत्ता को नहीं समझता है, तो किसानों को ये प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसे खरीदते समय हमें सावधानी क्या रखनी है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो इसकी जो सेफ़ लाइफ है वैसे तो 1 साल 2 साल लिक्विड की, यहाँ तक भी है जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा हैं उन्होंने 7 साल तक भी जो लिक्विड में ये ज़िंदा रहता है,
लेकिन जो मार्केट में है, चूँकि उनकी जो रख रखाव है वो इस तरह का होता है कि जब वो बनता है तो पता नहीं किस तरीके से बनता है, फिर उसको वो धूप में भी डाल देते हैं, फिर जब बाज़ार में आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से रखता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक तो जब हम ख़रीदें तो ध्यान रखें कि एक तो पैकेट उसका फूला हुआ ना हो, नमी और पीएच वैल्यू 7 पीएच होना चाहिए, नमी जो है 8-10% होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन जब हम डब्बा ख़रीदते हैं तो वो फूला हुआ नहीं हो और उसमें नमी ना हो, बजा के देखेंगे। अगर हम पाउडर ले रहे हैं तो बजा के देखते हैं, तो अगर वो ज़्यादा बज रहा है तो समझो उसमें नमी ख़त्म हो चुकी है, तो उसे ना लें। यदि वो कम बज रहा है, कुछ डली डली सी महसूस होती है, तो वो ठीक है। इसके अलावा अगर लिक्विड यदि हम ले रहे हैं तो लिक्विड भी डब्बा फूला हुआ नहीं होना चाहिए, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हम इसका CFU ध्यान रखें। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, यानी कि उसके अंदर कॉलोनी बनाने की जो यूनिट है वो कितनी होनी चाहिए, 2×10^6, यानी कि 2 के आगे यदि हम 60 लगा दें तो ये करीबन बैठता है 20 लाख के आसपास। ये मिनिमम है, आप मैक्सिमम और भी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे 1×10^9 है, 2×10^8 है, तो आप इससे ज़्यादा, ये मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो भी है वो आप ले सकते हैं। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट का मतलब होता है कि इतनी कॉलोनी बनाने की उसमें क्षमता है, जब भी आप ज़मीन में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़मीन में अपने आप को डेवलप करके और वो काम करना शुरू कर देता है उतनी मात्रा में। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम इसे इस्तेमाल करें, खेत में नमी होनी बहुत ज़रूरी है, और कभी भी इसे डायरेक्ट धूप में ना रखें। जब भी बाज़ार से लेके आएँ तो ऐसा ना हो कि आप सीधे धूप में रख दें उसको, अगर धूप में रख देंगे तो नमी उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो उसको जब भी रखें, चाहे रूम टेम्परेचर में रखें आप, मतलब 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 16 से लेकर के 22-28 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम का टेम्परेचर होता है उस पर आप रखे रहेंगे, तो अगर इसकी सेफ लाइफ यानी कि 1 साल की है, 2 साल की है, उसके बाद तक भी रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नमी नहीं जानी चाहिए उसकी। लेकिन यदि हमने बाज़ार से ला करके उसको धूप में ही छोड़ दिया है 2-3 दिन 4 दिन, तो वो फिर काम नहीं करेगा, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी इसका इस्तेमाल करें, बाज़ार में जितने भी केमिकल कवकनाशी आते हैं या फफूंदनाशी आते हैं, उनका इस्तेमाल इसके साथ ना करें, क्योंकि ये मित्र फफूंद है और वो कवक को मारने वाला है। तो है तो ये भी मित्र कवक, मतलब है तो फफूंद ही, है तो कवक ही, तो यदि हम इसके साथ में कोई दूसरे फंजीसाइड, केमिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ये मार सकता है, इसका फिर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों एक और मन में सवाल किसानों के रहता है कि क्या हम बायोपेस्टिसाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इसमें ख़तरा रहता है कि हम इसे ज़्यादा समय तक मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसमें कंटामिनेशन हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, और लिक्विड में ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, 2 या 3 बार आप कर सकते हैं, मतलब तरल में। और यदि आपको कंपोस्ट में करना है तो उसका एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आपने सड़ा हुआ कंपोस्ट ले लिया, या कोई भी वर्मी कंपोस्ट, या कोई भी जो सड़ा हुआ अच्छा है, चाय जैसा है, वो आपने ले लिया, उसमें नमी होनी चाहिए, आप उसमें इसको मिला दीजिए। क्वांटिटी आप 1 किलो में कम से कम 100 किलो तो ज़रूर लें खाद जो है कंपोस्ट। यदि 100 नहीं है तो 200 या 500 भी ले सकते हैं। आपने उसको फैला लिया, उसके ऊपर इसको छिटक दिया और एक कटिंग कर दी, मिक्स कर दी अच्छे से, नमी उसमें रहनी चाहिए। और यदि इसका आपको माइसीलियम भी देखना है, तंतु देखना है, तो आप उसको पूरा लेवल करके और ऐसे उंगली गड़ा दीजिए। जब आप उंगली गड़ा देंगे तो आप 5-7 दिन बाद देखेंगे कि उन उंगलियों में सफ़ेद सफ़ेद तंतु दिखाई देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आपने जो ट्राइकोडर्मा लिया है वो किस तरीके का है और कितनी उसमें है या नहीं है, जिंदा है या नहीं है, तो ये उससे मालूम होगा। आपने पूरा तैयार कर लिया, उसमें से आप आधा या 1/3 हिस्सा ले लीजिए, वापस अपने खेत में डाल दीजिए, फिर उसमें और कंपोस्ट मिला दीजिए। तो ऐसे करके आप 3-5 बार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय करेंगे तो फिर उसकी संख्या कम होती चली जाएगी, उसमें कंटामिनेशन भी एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ ये बनता है वहाँ पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, तो वहीं से फिर पैकेट में वो पैक होता है। जब वो खुले वातावरण में आता है तो खुले वातावरण में उसकी संख्या भी घट जाती है, जितना पैकेट में पैक किया जाता है जितनी मात्रा में, जब आप उसे खुले में कंपोस्ट में मिलाएंगे तो उसकी संख्या घट जाती है। इसलिए कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, और कहते हैं कि 10 से 15 दिन तक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो खुद दिखाई देगा आपको, ऐसी बात नहीं है। अगर अच्छी मात्रा में है, बढ़िया क्वालिटी का है, तो वो दिखाई देता है। तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि इसके प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले तो ये बीज को उपचारित करने में प्रयोग होता है, मृदा को उपचारित करने में प्रयोग होता है, और स्प्रे में भी काम आता है। तो
तो जब बीज को उपचारित करेंगे तो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज आप बीज को फैला लीजिए, उसमें इस पाउडर को डाल दीजिए, उसमें पानी की हालांकि नमी होती है, अगर कम है तो आप पानी के छींटा मार दीजिए और ऐसे करके पूरे तरीके से मिक्स कर दीजिए उसको। तो बीज की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा मात्रा कम और ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका फ़ायदा ही रहता है। बोने से आप 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं, धूप में ना रखें बस उपचारित करने के बाद, और एक रात एक दिन पहले भी कर सकते हैं। तो बीज उपचारित करें और मिट्टी उपचारित करने, चूँकि मैंने बताया कि बहुत सारे जो पैथोजन हैं वो ज़मीन में रहते हैं, तो मिट्टी को उपचारित करने का काम हम नहीं करते हैं। तो 2 से 4 किलो प्रति एकड़ गोबर की सड़ी खाद में मिला लीजिए या खेत की मिट्टी ले लीजिए, उसमें मिक्स करिए और खेत की तैयारी करते समय आप उसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे की यदि हम बात करें तो 5 से 10 ml पर लीटर या 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि आप या तो सुबह को सुबह ही करें या शाम को करें। दिन में करेंगे तो धूप रहती है तो उसमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो सुबह और शाम में करें। और साथ में यदि थोड़ा हो सके तो गुड़ मिला लें, एक टंकी में 50 ग्राम गुड़ डाल देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट क्योंकि जितने भी मित्र फफूंद हैं सबको गुड़ जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि उसको एक्टिव करने में सहायक होता है। तो आप जब भी इस्तेमाल करें, आप चाहें तो ज़मीन में भी डाल सकते हैं, और यदि मतलब जब आप तैयार कर रहे हैं खेत में डालने जा रहे हैं तब भी आप गुड़ डाल सकते हैं और स्प्रे में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके बीज, मिट्टी और स्प्रे में आप इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ में जैसे सूडोमोनास है, मैं अगले वीडियो में सूडोमोनास के बारे में बताऊँगा आपको। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये भी बहुत अच्छा जीवाणु है, इसके साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे गन्ने में लाल सड़न की समस्या आती है तो गन्ने की लाल सड़न की जो समस्या है, विल्ट की समस्या है या किरासी सूट डिजीज है, कंडवा है, ये ऊपर अगोला सड़न आता है। इसके अलावा जो अभी पोखा बोइंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, तो ये सारी बीमारियाँ गन्ने में जो है दोनों का यदि इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और विल्ट और रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी कि गन्ने का लाल सड़न, इन पे तो मैंने खुद अपनी आंखों से इसका रिजल्ट देखा है। यदि किसी खेत में बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप 2 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो सूडोमोनास दोनों को मिला के डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी इसका प्रयोग करें तो खेत में नमी ज़रूर हो। यदि नमी नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको गोबर खाद मिट्टी में मिला के जैसे मैंने बताया इसको छींटा दे दीजिए और ऊपर से तुरंत पानी दे दीजिए, यानी कि इसके इस्तेमाल के समय खेत में नमी ज़रूरी है। नमी के साथ पानी के साथ मिल करके ये जड़ क्षेत्र में चला जाता है और जो भी आपके इसके पैथोजन होते हैं, जो भी नुकसान देने वाले फफूंद है, उनके संपर्क में आने के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया ट्राइकोडर्मा के बारे में, मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई किसी के मन में सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे उम्मीद है कि आप जो भी आपके मन में सवाल हैं आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। और यदि कोई विशेष अभी नेक्स्ट ये मैंने सीरीज़ शुरू की है, मैं सारे बायोपेस्टिसाइड इसमें कवर करूँगा और इसके साथ साथ और भी पैरेलल वीडियोज़ चलते रहेंगे। तो दोस्तों आपके प्यार की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक किसानों को इस वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।